माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम जो है ना सिंगल नेशनल करिकुलम जो पंजाब टेक्स्ट बुक का सिलेबस है उसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 6, जिसकी हम यूनिट नंबर 7 की ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, करप्शन की। तो आज हमने जो है ना उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। रीड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, तो हम इसके मीनिंग पढ़ेंगे। ऑफेंसिव, जिसका मतलब है जारहाना, तेज मिजाज, तो उसका उसने लिखा है यहाँ पर जी रेजेंटफुल, ये लफ्ज है। उसके बाद अब दूसरा उसके बाद है ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत खोरी, रिश्वत स्तानी, तो यहाँ पर करप्शन यानी कि बदवानी, बेईमानी में ही आता है। नरेटेड का मतलब होता है जी बयान करना, कोई चीज बताना, तो उसका हमने यहाँ पर उसने किया है जी टोल्ड। उसके बाद डिवास्टेटिंग, तबाह कौन, तो यहाँ पर उसका है जी शॉकिंग, छीमी मैनी है। रिपेंटेंट यानी कि शर्मिंदा, पछताया हुआ, अशेम, दोनों का सेम ही मानी है सर। तो चलते हैं हम अपने आंसर दी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन है जी आइए देखते हैं तो इसको किस तरह से हमने हल किया है। चले जी, ये हमारे पास उसके क्वेश्चन आ गए हैं, जिसके जो है ना वो पहला क्वेश्चन क्या था जी, व्हाई वाज मिस्टर शान नॉट लाइक्ड बाय अदर्स, के जो दूसरे लोग हैं वो मिस्टर शान को पसंद क्यों नहीं करते थे। तो इसका आंसर है जी मिस्टर शान वाज नॉट लाइक्ड बाय अदर्स बिकॉज ऑफ हिज करप्शन, कि उसकी बदउनवानी की वजह से ही उसे पसंद नहीं किया जाता था। उसके बाद है जी हाउ वाज द फार्मर ट्रीटेड बाय मिस्टर शान, कि मिस्टर शान ने उस गरीब किसान से जो है ना किस तरह बर्ताव किया। तो मिस्टर शान रूडली टोर अप फार्मर्स एप्लीकेशन एंड ऑर्डर्ड हिज गॉड्स टू थ्रो द फार्मर आउट, कि उसने जो है ना बड़ी बदतमीजी से उसकी एप्लीकेशन के जो उसकी दरख्वास्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने मुहावजों को हुक्म दिया कि जो है ना वो फार्मर को बाहर जाके फेंकें। तो फिर उसके बाद है जी व्हाट डिड आवर रसूल मोहम्मद से अबाउट करप्शन, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करप्शन के मुतल्लिक क्या कहा करते थे। आवर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑलवेज टू अवॉइड करप्शन एज इट वाज अ बिग सिन, तो वो हमेशा इसी चीज से बचते थे क्योंकि ये एक बड़ा गुनाह है। व्हाट इंसिडेंट चेंज मिस्टर शान, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन ड्यू टू हिज करप्शन चेंज्ड मिस्टर शान, कि उसकी जो बदनवानी थी जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हुई थी, उसी हाके ने, उसी हादसे ने उसकी उसकी जिंदगी जो है ना उसको बदल के रख दिया था। जो पांचवा क्वेश्चन है जो उसके बाद है व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन, करप्शन लीड्स द नेशन टू डाउनफॉल, इट कैन डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर डीड्स एंड ऑलवेज शो लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करप्शन जो है ना वो हमेशा एक कौम के जवाल की वजह बनती है, तो ये किसी माशरे को तबाह भी कर सकती है और हमें हमेशा अपने जो है ना मामलात में, अमाल में, वफादारी और जो जिम्मेदारी है उसका मुजहरा करना चाहिए। जो लास्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है, डू यू थिंक करप्शन इज अ बैड थिंग, व्हाई, एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस। यस करप्शन इज अ बैड थिंग, करप्शन लीड्स द नेशन टू डाउनफॉल, इट कैन डिस्ट्रॉय सोसाइटी। सो ये हमारे आंसर दी क्वेश्चन थे। तो चलिए हम अपने अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जी। तो है जी हमारे पास जो हमारे ग्रामर का पोर्शन है वो है जी, सबसे पहले है जी मॉडल वर्ब्स। चलिए जी देखते हैं इसको, मॉडल वर्ब्स होते क्या है। मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन हाइपोथेटिकल कंडीशंस सच एज एडवाइस, कैपेबिलिटी और रिक्वेस्ट, मतलब वो एक ऐसी हाइपोथेटिकल हालत को शो करते हैं जिसमें तो या तो किसी नसीहत के बारे में बात की जाए, या किसी सलाहियत के बारे में, या फिर किसी ऐसी रिक्वेस्ट के बारे में बात की जा रही हो कि जिसमें जो है ना वो कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो। देयर इज अ फुल लिस्ट इन द टेक्स्ट सेक्शन, दे आर यूज्ड अलोंगसाइड अ मेन वर्ब टू चेंज इट्स मीनिंग स्लाइटली, मतलब जो मेन वर्ब के बाद भी ये जो है ना साथ उसके साथ भी हमेशा यूज होते हैं, तो उसके मीनिंग को बिल्कुल टोटली चेंज कर देते हैं, जिस तरह हम उसको फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं जी। बिकॉज दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे कैन नॉट बी यूज ऑन देयर ओन, तो ये अपने आप में जो है ना वो इस्तेमाल नहीं हो सकते जी। तो इनकी कुछ ये टेबल्स दी गई हैं,
तो सबसे पहले है जी कैन, कैन नॉट है, कॉन्ट है, कुड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये हमेशा हमारी क्या करेगा एबिलिटी या इन एबिलिटी को शो करेंगे, कैन कुड कैन नॉट या को कैन है जो, तो ये हमारी कैन का मैनी होता है जी सकना, मतलब किसी चीज की सलाहियत होना। अगर कि हम समझते हैं कि किसी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो ये चीज कर सकता है, तो हम उसके साथ कैन लगाएंगे। अगर हम समझते हैं कि किसी के साथ ये एबिलिटी नहीं है, वो ये चीज नहीं कर सकता, तो हम उसकी इन एबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हम कैन नॉट लगाएंगे। ये एबिलिटी या इन एबिलिटी को शो इसलिए करता है, अगर तो वो उसकी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसकी एबिलिटी को शो, जैसे इट शोज वेदर आर नॉट द सब्जेक्ट इज एबल टू डू समथिंग, तो वो उसने एग्जाम्पल दिया शी कैन स्पीक 3 languages, मतलब ये उसके पास एक सलाहियत है कि वो 3 जबानों को बोलने की महारत लगती है। द बॉय कैन नॉट प्ले द गिटार गिटार सॉरी द बॉय कैन नॉट प्ले द गिटार, तो मतलब हम उसके जो हमने ऊपर वाली बात किया कि वो है कि वो 3 languages को बोल सकती है, उसके पास एबिलिटी है। अब जो ये बॉय है लड़का है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, ये एक एबिलिटी है गिटार बजाना, तो वो बेचारा नहीं बजा सकता। तो हमने जो इस बात को किया है तो ये इसमें है कि कैन और कैन कैन नॉट जो है ना, ये एबिलिटी और इनएबिलिटी को शो करते हैं। आई होप कि आपको चीज बड़ी अजीब समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद है मे और मे नॉट, ये हमेशा हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, तो इसकी हमने जो सबसे आसान मिसाल है वो ये है कि अगर आप किसी क्लासरूम में हैं तो आप बैठ जाते हुए भी टीचर या से परमिशन मांगते हैं, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो उसके बाद जब अंदर आते हैं तो सर मे आई कम इन सर, तो इस तरह से आप उनसे परमिशन मांग रहे होते हैं, ये सबसे बोलचाल वाले आम फिक्रे होते हैं। तो वो यहाँ पे कहता है कि इफ यू वांट टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, तो मतलब आपने कुछ करने के लिए इजाजत मांगनी हो, फॉर एग्जाम्पल उसने दे दी एग्जाम्पल, तो मैंने भी आपको एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दे दी है, स्टूडेंट्स में नॉट वियर जीन्स, जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना वो जीन्स नहीं पहन सकते जी, उनको इजाजत ही नहीं है, परमिशन नहीं है। मे आई लीव अर्ली टूडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, तो ये भी जो है ना उसमें परमिशन के लिए मांगा जा रहा है। तो आगे भाई हमारे पास माइट है, पॉसिबिलिटी को शो करता है जी, कि हम कह सकते हैं कि इट माइट रेन टूडे, कि आज बारिश हो सकती है, पॉस ये जिसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, कहते हैं कि आज ऐसा चीज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, तो मतलब हम किसी चीज के लिए बिल्कुल पूरी उम्मीद नहीं होते, पूरी यकीन नहीं होते, मैं जिसका पूरा एतबार नहीं होता कि ये चीज होने वाली है, तो हम उसके लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। माइट जो है ना ये हमारी पॉसिबिलिटी को शो करता है। फिर हमारे पास वुड विल कैन दोबारा से आ गए हैं, तो वुड विल जो है ना यहाँ पर हमें जो है ना क्या करेंगे, सॉरी रिक्वेस्ट करेंगे, तो इफ यू वांट टू आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग, मतलब आपने किसी से कुछ इजाजत मांगनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो कि मुझे ये चीज दे दें या मुझे ये चीज चाहिए, तो आप दे सकते हैं। जैसे हमें हमारे पास है ना कि हमारे पास अगर आप कैमरा जैसे हो गया कि कैन यू कैन आई बोरो योर कैमरा प्लीज, क्या मैं आपका कैमरा उधार मांग सकता हूँ, या फिर विल यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन, क्या आप अपने जो है ना इस म्यूजिक का जो वॉल्यूम है उसको आप कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं ना इसमें, तो ये हम इसमें जो है ना आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शुड है, ये तो आपको पता ही है एडवाइस या सजेशन के लिए हमें यूज होता है, तो जिसका मैंने है चाहिए, तो हम या तो फिर बाजुकात गवर्नमेंट्स के जो है ना जो स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर अपना हम सजेशन देते हैं, मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं, या फिर हम अपने ऊपर ही जो है ना वो चीजें ये सारी करते हैं कि इफ यू वांट टू रिकमेंड समथिंग टू समवन विदाउट गिविंग एन ऑर्डर, तो ऑर्डर दिए बगैर मतलब एक सजेशन देते हैं आप उन्हें, जैसे यू शुड नॉट ट्राई द बिरयानी, तो मुझे लगता है आपको बिरयानी नहीं करनी, नहीं खानी चाहिए जी, तो दैट गाय शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ, मुझे लगता है कि इस लड़के जो है ना साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, मतलब सजेशन दे रहा है यहाँ पर एक किस्म का। फिर उसके बाद ये आपके पास है जी मस्ट नॉट टू हैव, मस्ट नीड टू है, मस्ट है, नीड टू है, फिर उसके बाद हैव है, तो ये हमारे पास जो है ना ऑब्लिगेशन के लिए जो है ना ऐसे करते हैं, इट इट एक्सप्रेसेस अ नेसेसरी एक्शन सच एज एन ऑब्लिगेट ऑब्लिगेशन ड्यूटी और रिक्वायरमेंट, मतलब फर्ज शनासी के ऊपर आप जो है ना ऑब्लिगेशन फर्ज शनासी कहते हैं, ड्यूटी है या रिक्वायरमेंट है, इस चीज की जरूरत है, तो वी मस्ट वेट फॉर आवर बॉस टू अराइव बिफोर वी ओपन, कि हमें जो है ना अपने, तो ये एक फर्ज है कि अगर आपकी किसी इदारे का बॉस या हेड नहीं आया है तो उसकी परमिशन अगर नहीं है तो आप उसके बगैर ये चीजें ओपन नहीं कर सकते। तो उसके बाद यू डोंट है
नीड टू, यू डोंट नीड टू कम इफ यू डोंट वांट टू। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप क्यों जा रहे हैं, मतलब किसी चीज के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना, तो मतलब एक चीज लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है तो आपने उसके मुताबिक ही करना है। फिर उसके बाद है वुड और विल आ गया है, आप इनको इनविटेशन और ऑफर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है कि वुड यू लाइक टू प्ले गोल्फ दिस फ्राइडे, क्या आप हमारे साथ इस जुम्मे को जो है ना वो गोल्फ खेलेंगे। विल यू कम टू माई पार्टी टुनाइट, क्या आप आज मेरी पार्टी के ऊपर आएंगे। तो मतलब ये है कि आप उसमें जो है ना आप उसको यहाँ पे इस तरह की जो इवेंट होते हैं, इसी मिसाल के तौर पर किसी इवेंट में जब आप उसको यूज करते हैं वुड और विल को, तो इट मींस कि आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें, आप उससे इनविटेशन दे रहे हैं, उनको एक ऑफर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मस्ट नॉट या कांट है, यहाँ पर हमारे पास मस्ट नॉट और कांट है, यहाँ पे जो है ना प्रोबिशन के लिए इस्तेमाल होता है कि इट इज यूज टू शो समथिंग दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब किसी चीज को बड़ी सख्ती से मना कर दिया गया कि आपने ये चीज नहीं करनी, इट मीन नहीं करनी। यहाँ पर यू कांट ड्राइव इन दिस कंट्री अनलेस यू आर ओवर 18, मतलब जब तक आप 18 साल की उम्र के नहीं हो जाते तो आप इस मुल्क में ड्राइविंग कर ही नहीं सकते भाई। You must not use your phone in class, कि आप अपनी क्लास में जो है ना मोबाइल फोन अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब किसी चीज के लिए सख्ती से मना करना, prohibited, strictly prohibited, किसी चीज के लिए सख्ती से मना कर देना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी वीडियो पसंद आई होगी मेरी आपको, तो इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को भी जो है ना आपने लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है, और यह जरूर बताना है आप लोगों ने कि मेरी वीडियो आप किस किस शहर से देखते हैं। तो मेरे चैनल का नाम मोहम्मद इरफान ऑफिशियल, इसको आपने कभी नहीं भूलना सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे यहाँ इंग्लिश स्पोकन के हवाले से भी कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, कोर्सेज फ्री करवाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना इस तरह के पंजाब ट्रस्ट बोर्ड का जो नया सिलेबस है उसकी भी करवाई जा रही है ट्रांसलेशन। अगर आपको लगता है इसके अलावा मजीद क्लासेस की भी मुझे ट्रांसलेशन करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे और किन किन के आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस। फिफ्थ क्लास के साथ है, नाइन्थ टेंथ के साथ अगर आप चाहते हैं तो उनके साथ भी मैं कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। ये कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन, मेरे ऑडियंस का ओपिनियन, मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स का ओपिनियन सबसे बेस्ट है। टेक केयर योर सेल्फ, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।